हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट बी। मैंने पिछली वीडियो में पूर्व वर्ग के बारे में आपको समझाया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 के पूर्व वर्ग से आगे के प्रश्नों को। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जैसे नहीं आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरणों के मूल ज्ञात करने। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न को उठाते हैं। पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पर ये प्रश्न है 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, -7 लाने हैं, लेकिन इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र होता है श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है वो हम ax² + bx + c = 0 से हम कंपेयरिंग करते हैं और धराचार्य जी के सूत्र में लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा a = 2, b = -7 और c = 3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू श्री धराचार्य जी से। ठीक है, धराचार्य जी का फॉर्मूला होता है x - b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब इस वैल्यू को लगाएंगे ±√b² है, -7² - 4 × 2 × c है, / 2 × तो ये जाएगी 7 ± 49, 4 × 2 = 8 = 24 / 4। ठीक है, ये हो जाएगा 7 ± 49 में से 24 घटाएंगे √25/4, यह आएगा 7 ± 4 = 5/4। ठीक है, अभी लेंगे धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह लेंगे x = 7 ± 5/2, ये है धन चिन्ह लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12/2 = 6, x की वैल्यू 6। अब ऋण चिन्ह लेने पर x = 7 - 5/2 = 2/2। ठीक है, ये आ गए x = 6 और x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, अब ये हमारा, इसमें भी हम वही लगाएंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे ba। ठीक है ना, तो a = 2, b = 1 और c = 1। ठीक है,
अब इसको श्री धराचार्य जी के फॉर्म में लगाएंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, रखेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट वन माइनस फोर इंटू ए है हमारा टू इंटू सी है हमारा माइनस फोर अपॉन टू इंटू टू, माइनस वन प्लस माइनस चार चौक सोलह, सोलह दूनी बत्तीस प्लस ये हो गया चार, माइनस वन प्लस माइनस तैतीस अपॉन चार, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर मूल निकालेंगे तो धन चिन्ह लेने, ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट सॉरी प्लस ले रहे तैतीस बट्टे चार, ऋण चिन्ह लेने पर एक्स बराबर माइनस रूट तैतीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अतः दिए समीकरण के मूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर जी दिए गए द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो से तुलना करने पर, तो ए बराबर हो जाएगा चार, बी बराबर हो जाएगा चार अंडर रूट तीन और सी बराबर हो जाएगा तीन, ठीक है। अब श्री धराचार्य जी के फॉर्म में रखेंगे, श्री धराचार्य जी से एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस फोर अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर फोर इंटू ए इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर, ठीक है, माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस चार चौक सोलह गुणा तीन, चार चौक सोलह गुणा तीन, ठीक, चार दुनिया ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री अपॉन एट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, चार दूनी आठ, एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू, इसमें समीकरण के मूल नहीं ज्ञात होंगे क्योंकि इसमें ए की वैल्यू आ रही है एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू। लास्ट सवाल इसका लेते हैं, आपको समझ में तो आ रहे हैं ना, पहले समीकरण की तुलना करेंगे और उसके बाद द्विघात धराचार्य जी के फॉर्म में लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर बराबर जी दिए गए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा दो, बी बराबर हो जाएगा एक और सी बराबर हो जाएगा चार, श्री धराचार्य जी की फॉर्म में लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस फोर इंटू टू इंटू फोर अपॉन टू इंटू टू, माइनस वन प्लस माइनस
चार दूनी आठ चौक 32, चार माइनस वन प्लस माइनस माइनस 31 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस रूट 31 आ रहा है तो अतः ये हम समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते, यह एक काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इसे हम 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे रूट के, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमें रूट ज्ञात करने हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।